उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश में सबसे चर्चित सीट है। वजह, यहां से पीएम नरेंद्र मोदी खुद प्रत्याशी हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। इससे पहले भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7 मई से 14 मई तक कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसके बाद 15 मई को नामांकन पत्र की जांच की गई, जिसमें दाखिल किए गए कुल 41 नामांकन पत्रों में से 43 नामांकन पत्र अवैध पाए गए। शाम के बाद तक कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 33 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया। वाराणसी लोकसभा सीट देश की सबसे चर्चित और वीआईपी सीट मानी जाती है। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी संख्या में लोग वाराणसी जनपद के साथ साथ पूर्वांचल सहित दूसरे प्रदेशों से भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। 14 मई तक नामांकन प्रक्रिया चली, जिसमें कुल 41 प्रत्याशियों ने वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन पर्चा भरा। 15 मई को हुई जांच में 41 प्रत्याशियों में से कॉमेडियन श्याम रंगीला सहित 33 के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए, यानी कुल 8 प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे वैध प्राप्त हुए हैं। वाराणसी की लोकसभा सीट पर दाखिल हुए नामांकन पत्र की जाँच के बाद अब पीएम मोदी के खिलाफ कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें नेशनल इंडियन कांग्रेस के अजय राय, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, बहुजन समाज पार्टी के अतहल जमाल लारी, अपना दल कमीरावादी से गगन प्रकाश यादव, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी से पारसनाथ केसरी, युग तुलसी पार्टी से कोली शेट्टी शिव कुमार, वहीं संजय कुमार तिवारी, दिनेश कुमार यादव निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। इसके पहले पीएम के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने गए मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने पर्चा खारिज होने के बाद प्रशासन पर जानबूझकर पर्चा खारिज करने के आरोप लगाए थे।